दमट 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 दमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षा मम। सुषमा स्वराज भाजपा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाई बल्कि उन्हें जनमंत्री कहा जाता था। इतना ही नहीं, वह जब विदेश मंत्री बनी तो उन्होंने आम आदमी को विदेश मंत्रालय से जोड़ दिया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। हरियाणा के अम्बाला केंट में सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1953 को हुआ था। उनके पिता हरदेव शर्मा आरएसएस से जुड़े थे और संगठन में उनकी बहुत अच्छी छवि थी। उन्होंने अम्बाला छावनी के एसएससी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। सुषमा एक होनहार छात्रा थी और अम्बाला छावनी के एसजी कॉलेज से उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला था। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग से एलएलबी की डिग्री ली और 1973 से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। सुषमा स्वराज पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत आगे रही हैं। वह शास्त्रीय संगीत के अलावा ललित कला और नाटक देखने आदि में काफी रुचि लेती थी। उनका राजनीतिक करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू हुआ। सुषमा का दिल्ली से काफी गहरा नाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब केंद्र की सत्ता में आसीन थे उस वक्त सुषमा स्वराज दक्षिणी दिल्ली से सांसद चुनी गई और केंद्रीय मंत्री का पद संभाला। केंद्रीय मंत्री का पद और सांसद कार्यभार संभालने के दौरान सुषमा ने दिल्ली की नब्ज को टटोलना शुरू किया और 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा पहली बार दिल्ली के रास्ते लोकसभा पहुंची थी। पार्टी ने उन्हें 1996 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल को पराजित किया था। उन्हें 13 दिनों की वाजपेयी सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया गया था। मार्च 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से उन्हें दक्षिणी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा। वह कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा कर दूसरी बार लोकसभा पहुंची और उन्हें एक बार फिर से सूचना व प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसी साल उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दक्षिणी दिल्ली से 2 बार सांसद रहने और सीएम की कुर्सी संभालने के बाद सुषमा स्वराज के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी दोबारा सत्ता में आने में नाकामयाब ही रही। उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट से 2009 में पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद क्षेत्र की जनता ने 2014 में एक बार फिर उन्हें चुना था। वहीं इस बार स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। ऐसे में उनके निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यमश्री वी, भोपाल।